रिमझिम बरसात की चपेट में आने से असहाय गरीब किसान का कच्चा घर गिरा। प्रयागराज कलछना तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा बारी बजहिया में बेटों से अलग रह रहे लल्लू राम हरिजन पुत्र मलर का दिन मंगलवार को जर्जर घर गिर गया। घर गिरने की सूचना अधिकारियों को दी गई है और वह अब कैसे जीवन यापन करेंगे। उनका कहना क्या है कि हम मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हमको पेंशन और आवास मुहैया कराया जाए और इनके घर से आने जाने वाला रास्ता भी दलदल बना है और घर के अगल बगल पानी भरा रहता है, जो कि घर जाने में पानी के रास्ते से ही जाना होता है और वह बहुत ही गरीब है। सरकार ऐसे लोगों की जरूर मदद करे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज से रामबाबू पटेल की खास रिपोर्ट। ये बताइए, आपका घर कब गिरा है? ये पानी बरसात में। किस दिन? आज शाम को 12 बजे रात। 12 बजे रात में गिरा है? हाँ। तो जब 12 बजे रात गिरा है तो आप लोगों को चोट वोट तो नहीं आई? चोट नहीं आई, जैसे चरचरा लकड़ से भाग चले। तो ये काफी दिन से जर्जर पड़ा होगा? नहीं, एकाएक पानी गिरा ना, चूहा उधर गया दीवार। तो इसकी सूचना आप किनको किनको दिए? आप पत्रकार दे रहे प्रधान के बतावे के बाद गए मिले ना प्रधान। लेखपाल को भी अवगत कराए होंगे? लेखपाल को मालूम नहीं रहा, सूचना दी गई है। हाँ, सूचना दी गई है। तो इस घर में कौन कौन रहता है? हम रहते हैं, हमारे एक नातिन। तो आप लोग इसी घर में गुजारा कर रहे हैं? हाँ। आपके नाम से कभी आवास नहीं मिला है? कभी नहीं, जिंदगी नहीं। और क्या समस्या है आपके साथ? ऐसा समस्या है, न पेंशन बनी है, न बम्बा है, एक तो बिल्कुल डिटाइल है बम्बा, दूरी से पानी लिया था, रास्ता पानी भरा है, लड़कियाँ छटक छटक गिर जाती। आने जाने के लिए रास्ता रास्ता जो है वो चकरोट बिल्कुल बैठ चुका है, कोई मरम्मत नहीं है और उसी में से जाते आते हैं तो वो भी खाली है पानी के नीचे। तो आप सरकार से कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, अगर सरकार सुनेगा तो कहेंगे, न सुनेगा तो किसी का। नहीं नहीं, तो जब आप बोलेंगे तो सरकार पास यह वीडियो जाएगा तो बिल्कुल सुनवाई होगी। सुनवाई होगी, बन जाए। बीजेपी सरकार में दबले कुचले लोगों की ज़्यादा सुनवाई हो रही है, तो आप बोलिए क्या चाहिए आपको? हमको खड़ा मरम्मत चाहिए, बम्बा चाहिए, हमारा कॉलोनी चाहिए। आपका नाम क्या है? लल्लू राम। पिताजी का नाम? मलर। एक ग्राम सभा कौन पड़ता है? बारी बजहिया।